2021 में जो वैकेंसी आया था CCL का, उसमें ज्वाइन किए हुए एक कैंडिडेट है जिनका नाम मंगल मुर्मू है। आइए उनसे बात करते हैं। तो मंगल जी, बताइए अपने बारे में, आप कौन से बैच से हैं? 14-17 के हैं। कौन से कॉलेज से हैं आप? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद से है ना। चलिए, अच्छा है। तो आप लोग का वैकेंसी का ज्वाइनिंग कौन महीना हुआ था, कौन साल हुआ था? 2021 में नवंबर में हुआ था। अच्छा, तो आप जो है तैयारी कैसे कैसे किए थे, कुछ बताइए अपने व्यूअर्स को। तैयारी, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, यही सब, मतलब रेस्क्यू रूल, माइनिंग डिटेल्स का। अच्छा, हैंडबुक। अच्छा, सब पूरा बारीकी से पढ़े थे। अच्छा, और जैसे ये बताइए, जैसे आप भी ST है, तो ST लोग को सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, अपना जो सेंट्रल वाला है ना, ज़रूरी है ना, कोटा के लिए। नहीं तो फिर जनरल में हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो मतलब सही टाइम पे अपना एग्ज़ाम से पहले बना ले, उसी में भलाई है, है ना। सही टाइम पे पहले बना, एक दो महीना पहले बना, एक दो महीना। अच्छा, क्वेश्चन जब पूछा गया था, मतलब कैसा लगा आपको कि क्वेश्चन कैसा था, मतलब ठीक ठाक था आपका पढ़ा लिखा जितना था जो? मेरे हिसाब से तो ठीक ही था, CCL जब एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा, आपका भी लेंगे। उधर हमारे राजेंद्र सर बैठे हुए हैं GP कोडरमा के, उनका स्पेशल इंटरव्यू लेंगे हम लोग। आज फिलहाल मंगल जी का हो जाए। अच्छा, और बताइए और कुछ, जैसे कि मतलब CCL में ज्वाइन करने के बाद कैसा लग रहा है? ज्वाइन करने के बाद अब बेटर फील हो रहा है, यहाँ कि सेटल हो गए। अच्छा, मतलब नौकरी लगने के बाद बहुत बदलाव आ जाता है ना। तो कैसा, मतलब कि स्टूडेंट लाइफ और जॉब लाइफ में अंतर कुछ लगता है कि नहीं? हाँ, बहुत सारा लगता है। इसमें बेरोजगार थे थोड़ा, अब रोजगार हो गए हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके साथ साथ और आपका फ्रेंड, मतलब कितना फ्रेंड ज्वाइन किया था, किसी का नाम याद हो तो बताइए, कौन कौन एरिया में है उन लोग? है, कथारा में है, धोरी में है। अच्छा, हजारीबाग में है। अच्छा, क्या क्या नाम है उन लोग का? त्रिलोचन गोप है, विकास मीन है, अच्छा, जगत लोहरा है। अच्छा, खाना वाना खाए हैं ना, तो थोड़ा जोर से बोलिए, निकल नहीं रहा। फिर भी कोशिश कीजिए। त्रिलोचन गोप है फ्रेंड का नाम। हाँ, इसके बाद जगत लोहरा। हाँ, विकास मीन। हाँ, याद नहीं आ रहा है, विजय सोरेन। अच्छा, चलिए, मतलब कुल मिला के आप लोग का बैच से बहुत लड़का का ज्वाइनिंग हुआ है ना, लगभग 6-5 तो अधिक होगा। अच्छा, मेरे बैच का वो सीनियर लोग हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे का क्या प्लानिंग रखे हैं, मतलब मैनेजर तक का पढ़ाई करते रहना है कंटिन्यू, या फिर ओवरमैन में ही रहने का सोचे हैं? नहीं, कंटिन्यू करना है, मैनेजर क्यों, कम से कम मैनेजर तक पहुंचना है ना। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी मतलब रेगुलर पढ़ाई करते हैं? हाँ, टाइम मिलता है तो पढ़ते हैं, टाइम नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग के एक और सीनियर सर तुलसी सर GP भागा के घूमते घूमते आ रहे हैं। तुलसी सर, हेलो, कहाँ आपका फोटो नहीं दिखा? हाँ, हम दिखिए। उधर राजेंद्र सर मशीन का जानकारी ले रहे हैं, ये हमारे मैनेजर सर है मुकेश सर, शांति से बैठे हुए सोच रहे हैं कि इन लोग गाड़ी में बैठ के कर क्या रहा। चलिए मंगल जी, अच्छा एक और चीज़ बताइए, आप अपना जूनियर लोग को मतलब क्या सुझाव देना चाहिए? हम तो यही सुझाव देंगे कि अच्छा से पढ़े। हाँ, अपना जो तैयारी है वो पूरा करे, जॉब में और जॉब हो जाए, वही सुझाव है। मतलब अच्छा ये बताइए, आप तो ST है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, अभी ST लोग को और ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत पड़ रहा होगा पहले के तुलना में? हाँ, अभी जरूरत पड़ रहा है, कि कम सीट निकल रहा है और स्टूडेंट ज़्यादा है, उस हिसाब से कुछ तैयारी है। तैयारी मतलब पहले से ज़्यादा, हाँ, पहले से दोगुना करना होगा। अच्छा, दोगुना तीन गुना, अब जनरल जैसा ही लगभग। हाँ, क्योंकि बहुत ST लोग अभी भी मतलब सोचता है, हाँ, कि नौकरी हो जाएगा, मतलब ऐसा अब सिस्टम खत्म हो गया धीरे धीरे, सिस्टम पूरा खत्म हो गया, सीट बहुत कम निकल रहा है ST का। अच्छा, तो फिर भी सर आप अपना जूनियर लोग को क्या बताइएगा कि मतलब क्या क्या ऐसा काम करे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दे कि आगे जा कर के दिक्कत ना हो? हाँ, कि मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ध्यान लगा के पढ़े, ताकि आगे दिक्कत ना हो जॉब लेने में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे फिर बात हम लोग करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।